This is Brand Max Network India, and you are watching News India Now. पुलिस प्रशासन एवं सरकार द्वारा ट्रेवल एजेंटों एवं एजुकेशन कंसल्टेंट पर की जा रही सख्त कार्रवाई के चलते आज अमृतसर के स्थानीय हेरिटेज क्लब में नॉर्थ इंडिया कंसल्टेंट एसोसिएशन अमृतसर नाइस की एक मीटिंग एसोसिएशन के प्रधान रविशेर सिंह मल्ली की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में पंजाब के अलग अलग शहरों में एजुकेशन नल कंसल्टेंट के साथ पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की सख्त शब्दों में निंदा की गई। एसोसिएशन के प्रधान मेंबरों ने कहा कि पुलिस द्वारा जो पंजाब के एजुकेशन कंसल्टेंट के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। सरकार एवं पुलिस प्रशासन को ट्रेवल एजेंटों एवं एजुकेशन कंसल्टेंट में अंतर नजर नहीं आता क्यों के सभी एजुकेशन कंसल्टेंट सरकार द्वारा बनाए गए कानून मुताबिक कार्य कर रहे हैं और तकरीबन सभी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, पर पुलिस प्रशासन उन लोगों को भी नजायज परेशान कर रही है जिनके पास लाइसेंस है भी और जिन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन व सरकार को एजुकेशन कंसल्टेंट इंडस्ट्री को तबाह होने से बचाना चाहिए ताकि पंजाब के जो बच्चे हैं वह विदेश जाके अपना भविष्य बना पाए। वहीं उन्होंने कहा कि वह कल सभी एजुकेशन कंसल्टेंट इस मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र भी देंगे। रिपोर्टर मुकेश मेहरा की न्यूज इंडिया नाउ के लिए अमृतसर से रिपोर्ट। मैं योर डेस्टिनेशन कंपनी तो हाँ, ते नाइस कंपनी जी अमृतसर नाइस दी एसोसिएशन हैगी है, असी सारे उन्होंने वालों मैं बोल रहा हूँ वास्ते। जी जिवें मेरे मित्र साहब, मेरे साडे प्रेजिडेंट साहब ने, मल्ली साहब ने दसिया कि काला दिन सीगा साडी इंडस्ट्री वास्ते कल दा, कि साढ़े जलंधर विच किन्ने कंसल्टेंट जिन्हां दे लाइसेंस अप्लाइड सीगे उन्हां विचारियां नूं परचा कट्टिया गया। वह बेचारे जेल दे विच उन्हां नूं इंटीमेशन दित्ते बगैर, कोई चीज़ दित्ते बगैर साडी इंडस्ट्री इस टाइम दे उपर सब तो वध रेवन्यू जनरेट कर रही है, ते उहदे बावजूद भी साडी इंडस्ट्री नूं कोई भी प्रोपर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मिनिस्ट्री लैवल नहीं कि जिन्हों आप अप्रोच कर सकीए, नथिंग इज़ देयर। तो सानू डर इस चीज़ का हैगा कि यही चीज़ कल साडे उपर हो सकती है। जलंधर हुई, मोहाली हुई, बटाले हुई है, हुण साडे उपर अमृतसर की वारी जे, तो असीं चाहते हैं कि इहनू रोकिया जाए। पहली चीज़ आ वेखी जाए कि जिहड़े तुसीं कंसल्टेंट के उपर तुसीं जे बाई चांस आ भी रहे हो जरूर आओ जी, सद के आओ, पुलिस साडी इंक्वायरी जो मर्जी आके इंक्वायरी कर सकती है, पर आ सब तो पहला चैक किया जाए कि जे साडे कोल, चलो मेरा ही ऑफिस लैके चलो, मैं अपने नाम तो शुरू करदा, योर डेस्टिनेशन मेरा ऑफिस आ, मैं 3 साल का इतने बैठा रंजीत एवन्यू के, मेरे ऑफिस के नाम के उपर पहला चैक करो कि जी परचा हैगा कोई कि नहीं है। जे मेरे ऑफिस 3 साल का परचा नहीं था, तो मतलब मैं साफ सुथरा काम करता पाया, स्टूडेंट वीजे का काम करता पाया, तो सानू क्यों तंग कर रहे हो? जिन्हों के उपर परचे आप उन्होंने तो कुछ कह नहीं रहे। WWICS वड्डी कंपनियां अपने ऑफिस बंद करके पैसे जनरेट करके निकल गई, अही तो नॉर्मल बंदे है जो नॉर्मल अपना सब कुछ सरकार को मंग आई तो करते पे हैं कि पहला साढ़े बारे साड़ी चैक किया जाए कि असी प्रोपर साफ सुथरे कंसल्टेंट हैं, असीं एजेंट नहीं हैं। असीं पहला अखीरला मुद्दा यही है, असीं एजेंट नहीं, असीं कबूतरबाज नहीं हैं, असीं कंसल्टेंट हैं। लोकी साडे कोल कंसल्ट करन आंदे हैं, अपनी समस्यावां लैके आंदे, लोकी अपने बच्चों साडे कोल लैके आंदे, अही बच्चों के कोल घर नहीं जाते, वो साडे कोल आंदे कि साडे बच्चे नूं किस तरीके नाल वधिया गाइडेंस करके बाहर भेजा जाए। मैं रवि शेर सिंह मल्ली वर्ल्ड फॉर यू ग्रुप अमृतसर तो बोल रहा जी। कल सब तो कह सकदा कि काला दिन सी साडी इंडस्ट्री वास्ते, जिहड़ा जलंधर एक हादसा होया किसे नूं बिना दस्सिया, तुसीं ध्यान नाल खबर पढ़ी आ, 20 दे 20 जिहड़े कंसल्टेंट ने उन्हां दे परचा होया, सारे ने लाइसेंस अप्लाई कीता, उहदे विच दो इहो जे परसन ने जिन्हां कोल लाइसेंस हैगे भी ने पर फिर भी सरकार ने उन्हां ते परचा कीता। सरकार उन्हां ते एक्शन लै रही है जिहड़े लाइसेंस अप्लाई करन दे ने जां जिन्हां कोल लाइसेंस हैगा, जिहड़ी इंडस्ट्री दे विच लोकां कोल लाइसेंस नहीं हैगा, अप्लाई नहीं कीता, उत्ते कोई भी कार्रवाई नहीं कीती जांदी। हुण तुहाडा की स्टेप रह गया इस तों बाद प्रशासन दा? सब तों पहलां तां प्रशासन जिहड़ी कुंभ करन दी नहीं सुत्ता पिया ना, लाइसेंस दे नहीं रहा, उन्होंने उठाने की कोशिश करांगे, सवेरे सारे इकट्ठे होके एक ते रोस मार्च भी कढ़ांगे, प्रशासन को जावांगे, डीसी साहब को जावांगे, कमिश्नर साहब को जावांगे, अपना मांग पत्र दवांगे कि जिन्हां लाइसेंस अप्लाई कीते ने कोई टाइम वर्क रखो कि हाँ 1 महीने 15 दिन च उन्हां लाइसेंस इशू करांगे। ये कह रहे कि तुसीं दफ्तर बंद रखो, तो जिहड़ा असीं लाइसेंस अप्लाई कीता उहदी इंक्वायरी कित्थे होएगी? इह सरकार दस्सण दे लई कोई पाबंद ही नहीं हैगा। सरकार नूं इक्को ही बेनती आ कि जेकर सरकार नकेल पाउणा चाहुंदी आ फेक एजेंटा ते, ते प्लीज उन्हां नूं तंग ना कीता जावे जिन्हां ने लाइसेंस अप्लाई कीते ने जां जिन्हां कोल लाइसेंस आ, सरकार उन्हां ते एक्शन लवे जिन्हां ने हुण तक कोई लाइसेंस नहीं अप्लाई कीता, जिन्हां ने हुण तक वर्क परमिट दीआं एडां दित्तीआं ने उन्हां ते एक्शन लैणा चाहीदा, ना कि सरकार नूं जिन्हां ने भोले भाले लोकां ने लोकां नूं बाहर असीं भेज रहे आ, लोकां नूं इत्थे जॉब मिलदीआं नहीं पईआं, सरकार फिर भी साडे ते एक्शन लैंदी आ।
रेवेन्यू असं इकट्ठा करके सरकार दे रहे हैं, सरकार की हैल्प कर रहे हैं, पर फिर भी सरकार साढ़े खिलाफ ही एक्शन लै रही है। फेक एजेंटा के खिलाफ अज भी नहीं लिया जाता। सरकार एजेंट और कंसल्टेंट के फर्क करे। और दूसरी गल आ, जिन्हों लोगों दुन तक पुलिस इंक्वायरिया हो चुकी ने, वेरीफिकेशन दफ्तर की हो चुकी है, लाइसेंस फिर भी सरकार उन्होंने नहीं देन दी, सरकार जिथों तक है सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सुती पई है। सरकार को चाहिए कि जल्दी तो जल्दी हर किसी लाइसेंस दे जो काम कर सके। कारण ओदा यह हैगा कि जेकर असी पासपोर्ट या होर कोई लाइसेंस लेना एक महीने दे विच मिल सकदा, ते की सरकारां सानू इस लाइसेंस लई तीन तीन साल चार चार साल वेट हो गईयां ने करदियां नू। कईयां लोकां ने चार साल हो गए ने अपलाई कीतियां नू, स्टिल उन्हां नू लाइसेंस नहीं मिलिया। क्यों? क्योंकि उह सरकार कोई ना तो ये उन्होंने सरकार ने हुण तक कोई उपराला किया कि लोगों को दस्या जाए कि तुसी लाइसेंस इस तरह अपलाई करना, इहदियां फॉर्मैलिटियां ने, तुसी डीसी दफ्तर चले जाओ या कितें भी चले जाओ, अज तक इन्हां नू फॉर्मैलिटी नहीं पता कि आ की रूल एंड रेगुलेशन ने। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.